ये है नथिंग फोन 2, नहीं नहीं नहीं, ये नथिंग फोन 1 का क्लोन है जो कि यूनिहर्ट्ज लूना ने बनाया है। ये कंपनी के बारे में आपने शायद नहीं सुना रहेगा, बट ग्लोबली ये अवेलेबल हो जाएगा और उसके बाद शायद से हम इसको इंडिया में भी लाकर इसकी सारी जानकारी आपको देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये कोई प्रीमियम फ़ोन नहीं है, बल्कि प्रीमियम फीचर्स जैसे कि ये ग्लिफ इंटरफेस जो हमें नथिंग फोन 1 में मिल रहा था वही इसकी खासियत है। बाकी आपको इसमें मीडिया डेक हीलियो G99 एक 4G चिपसेट मिलती है, उसी के साथ 6.81 इंच की आपको उसमें फुल HD प्लस की एक IPS डिस्प्ले, आपको लेफ्ट में ऊपर पंचोल मिलता है और चिन भी आपको यहाँ पर एवरेज मिलती है। ये हाई रिफ्रेश रेट इसमें आपको नहीं मिलता है, 60Hz की रिफ्रेश रेट है और साथ ही साथ आपको उन्होंने स्टॉक एंड्रॉइड दिया है जो ये चीज़ मुझे यहाँ पर देखकर अच्छा लगा। उसी के साथ पीछे आपको 108MP कैमरा है, दूसरे मैक्रो सेंसर्स भी दिया है और नाइट विजन का भी आपको सपोर्ट मिलता है। 32MP की आपको सेल्फी दिया है, इसमें भी आपको उन्होंने नाइट विजन वगैरह दिया है और साथ ही साथ 5000mAh की आपको बैटरी है और फास्ट चार्जिंग वगैरह का भी आपको सपोर्ट मिलता है। लेकिन सबसे बेस्ट बात यहाँ पर ये है, हमने इस फ़ोन को हाथ में इसलिए लिया है, वो है इसका ये LED लाइट्स। पीछे आपको पूरा ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन मिलता है, जबकि नथिंग वाले ग्लिफ इंटरफेस बोलते हैं, इन्होंने इसको सिंपली LED लाइट्स बताई है। बट ये नथिंग फोन 1 से थोड़ा ज़्यादा एडवांस है डिज़ाइन के मामले में, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही लाइट होती थी, इसमें आप देखेंगे अलग अलग कलर्स की आपको लाइट मिलती है, वाइट, ब्लू, पिंक वगैरह। ये देखेंगे एक येलो लाइट भी है, जी हाँ, इस तरीके से आपको अलग अलग कलर्स की लाइट मिलती है और यहाँ पर नोटिफिकेशन से लेकर म्यूजिक से लेकर अलग अलग तरीके से ये लाइट उसके हिसाब से जो वो ऑपरेट होती है, यानी कि अगर आप गाना सुन रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है या फोन आया तो उस तरीके से वो नाचेगी और वो जो एनिमेशन आता है वो देखकर बड़ा कूल लगता है। बस यहाँ पर यही इसके मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा है और हो सकता है फ्यूचर में हमें इंडिया में भी कुछ ऐसे बजट में फोन्स मिल जाए जो 4G हो, इट डजंट मैटर, बट ऐसे डिजाइन हो तो देखने में कुछ अलग लगता है। बट इसमें एक डाउन पॉइंट ये है कि ये बहुत ज़्यादा थिक है, काफ़ी ज़्यादा मोटा फ़ोन है, ये चीज़ मैंने नोटिस किया। आई डोंट नो वाई, नथिंग वालों ने तो बड़ा मेंटेन किया है बट इन्होंने नहीं किया है, ये बहुत ज़्यादा थिक फ़ोन है लेकिन दिखने में बहुत ही कमाल का है। तो ये फ़ोन कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए MWC से सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।